हेलो विकास कुमार जी, वेलकम। प्रशांत कुमार झा जी, स्वागत है आपका अगेन। और कौन आ चुका है? कुमारी सुप्रिया जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी वेलकम है। राहुल अनबॉक्सिंग जी, आज मैं तो टाइम से आ गया। ओके, मैं भी टाइम से आ चुकी हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर ऑडिबल विजिबल हूँ। हेलो सनी जी वेलकम है। सुप्रिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? विशाल कुमार जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रॉकी जी आइए, स्वागत है। आप मुझे लगता है अनअकैडमी पे भी आते हैं। सनी जी हेलो वेलकम। ओके, मैं आपको प्रॉपर ऑडिबल विजिबल हूँ तो मुझे बता दें, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भूलिएगा उसको कर दीजिए, ठीक है। संदीप सुथर जी बिल्कुल बनारस से, आपको भी नमस्ते है। आप गंगानगर से, हम बनारस से। सुनील कुमार जी गुड इवनिंग। बाकला जी वेलकम है बनारस से, प्रणाम। राहुल जी ओके, वॉइस आ रही है। शशि झा जी ओके, आपको भी वॉइस आ रही है। विशाल कुमार, सुनील, अपराजिता कुमारी जी काफी टाइम बाद जुड़े हैं। यस, हाँ हम लोग काफी टाइम बाद जुड़े हैं। रवि टोपो जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है अभी, आप सो के उठे होंगे तो फिर अभी ये इवनिंग हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रश करने मत चले जाइएगा नहीं तो पाप हो जाएगा आपसे। अक्षय सौरभ जी हाय, हेलो हेलो हेलो, ओके गुड इवनिंग। सारे लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों का स्वागत है। और जिसको जिसको भी आप क्लास में बुला सकते हैं, अपने सारे दोस्तों को बुलाने की कोशिश करिए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए। क्योंकि आज का हमारा सेशन अगेन हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यू करेंगे। लाइक तो जरूर कर दीजिए ना, बिना लाइक किए मत जाइएगा। जितने भी लोग हैं लाइक कर दें। सुप्रिया जी हरियाणा से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपको बता दूं, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस करने वाले हैं। गुड इवनिंग संजू चौहान जी, आशीष कुमार, मणिकांत यादव जी गुड इवनिंग। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मेरे भी क्लासेस आपको मिलेंगे। मैं रेलवे कैटेगरी में एजुकेटर हूँ, मेरा नाम अनुराधा सिंह है। आप लोग मुझे रेलवे कैटेगरी में आराम से खोज सकते हैं। रेलवे सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी क्लासेस आपको ज्यादा जनरल साइंस की देखने के लिए मिलती है। अगर आपको जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी चैप्टर नेम में ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप है। आप लोगों में से जो भी अनअकैडमी ऐप पे नहीं पहुंच पाया है, मुझे लगता है सारे लोग होंगे, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि नहीं आप नहीं होंगे, होंगे तभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो बिल्कुल आप सारे लोग गूगल प्ले पे, गूगल स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों अगर आपको डेली बेसिस पे मुझसे फ्री लाइव क्लास पढ़नी है तो आप अनअकैडमी पे आए। अनअकैडमी पे रोज शाम को 7 बजे, इस पूरे महीने आपको शाम को 7 बजे स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं। तो आप बिल्कुल वहां पे आइए और हम लोग वहां पे एक एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मर्ज किया हुआ है, पर वहां पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको करवाए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्पेशल क्लास फ्री होती है दोस्तों, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। रीजन ये है कि जो जो एजुकेटर जिस जिस टाइम पे भी आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहेगा, कौन सा एजुकेटर किस टाइम पे आया है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पे आते हैं तो आपको मालूम ही है कि उसका फायदा क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में फायदा बता, ऑनलाइन लर्निंग ऐप के फायदे आपको बताने भी नहीं है। मुझे लगता है आप सभी लोग वहां पे आराम से पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि क्या क्या फायदा है। स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपको, सिलेबस कवर हो जाता है। हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं, टेस्ट सीरीज हम लोग बराबर देते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है तो आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी प्लस में आपको बहुत ज्यादा खर्चा ऐसा कुछ नहीं आएगा, एज इट इज आप जितना खर्चा बाहर कर देते हैं अपने किसी बेटर हाफ पे, और कई बार वो खर्चा सही जाता भी नहीं है, बाद में आप दुखी होते हैं, उतना अगर आप पढ़ाई के लिए लगा लेते हैं तो बेहतर होगा कि आपको सही दिशा मिलेगी, रिविजन करने को मिलेगा, डेली डेली क्लास मिलेगी, सारा सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने फेमस लोग हैं जो वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं, और ये एजुकेटर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जो भी टॉप के एजुकेटर हैं वो सब आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाएंगे। वाईफाई स्टडी से आपको जो है बहुत ये है कि नहीं आपको हर जगह क्लासेस मिल जाए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। रेलवे एग्जाम के जितने भी कोर्सेज, जितने भी दोस्तों सिलेबस है, सब कुछ वहां पे कवर करवाया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है हम लोग बैच कोर्स चलाते हैं, बैच कोर्स इसलिए चलाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, सारा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, तो बैच कोर्सेज भी चलते हैं। मेरा भी अभी चल रहा है बढ़िया बैच कोर्स, तो
दोस्तों आप लोगों को अगर आना है अनअकैडमी प्लस पे तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अनुराधा YT10। ये लगाते ही आपको आपकी फीस में ऑफ मिल जाएगा। तो ये जो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है रेलवे की फीस का पूरा स्ट्रक्चर है, कितना फीस लग रहा है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये करवाने वाले हैं। ये सब तो चलिए बात की बात थी, अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें जितने भी क्लासेस हैं सबका नोटिफिकेशन PDF सब कुछ आराम से आपको अवेलेबल होगा। चलिए सुनील कुमार जी, पापा वर्सेस बियर, प्रशांत कुमार झा जी, रॉकी जी, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का वेलकम है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, जिसके पास भी आपको पढ़ना है बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, 25 लोग हैं, 25 लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली डेली मेरी क्लासेस यहाँ होती रहे तो आप क्लास को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए आप सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों उसके बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। कौन आंसर करेगा, 25 लोग हैं, 25 लोगों में से कुछ लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसमें से कौन सी, हेलो हेलो पापा वर्सेस बियर जी वेलकम है, इसमें कौन सिल्वर कंटेन नहीं करता है, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर और हॉर्न सिल्वर दिया हुआ है। यहाँ पे सींग की चांदी लिखा है जो कि गलत हिंदी है, हॉर्न सिल्वर को हॉर्न सिल्वर ही कहते हैं, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सींग की कोई चांदी ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। चरण स्पर्श, राकेश जी चरण स्पर्श, खुश रहिए चरण स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद ल्यूनार सिल्वर दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या होगा। रॉकी कह रहे हैं बी हो जाएगा, योगेश कह रहे हैं बी हो जाएगा, अंशु कह रहे हैं कौन सा नहीं पता शायद ऐसा कुछ कह रहे हैं, ज्योत्सना, मंटू प्रसाद, अपराजिता जी ओके, रेहान अजीज जी का बी है, अक्षय खत्री जी का जर्मन सिल्वर आंसर आया है, शशि रंजन जर्मन सिल्वर, अंशु जी चलिए ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जर्मन सिल्वर इसका सिर्फ नाम है ना, इसमें बिल्कुल भी सिल्वर नहीं होता है। आप बताइए मुझे क्या ये एक प्रकार का मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है, ये धातु है या अधातु है या फिर ये अलॉय है, आप मुझे बताइए दोस्तों ये किस कैटेगरी में आएगा तीनों में से। अनअकैडमी ऐप पे मैम का भौकाल है हाँ, और कमेंट सेक्शन में आपका भौकाल है, तो अभी यहाँ पे भी आप एकदम आंसर करना शुरू करिए, आप ही लोगों का भौकाल रहेगा अगर आप आंसर करेंगे सही सही से। तो चलिए बताइए जर्मन सिल्वर क्या एक धातु है या फिर अधातु है या फिर ये आपका अलॉय है यानी कि मिश्र धातु है, करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पापा वर्सेस बियर, आप 30 मिनट क्या पूरे एक घंटे की क्लास कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करिए, करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल जर्मन सिल्वर दोस्तों ये आपका अलॉय है, नाम में इसके सिल्वर है पर अगर आपको कभी भी कोई पूछे सिल्वर का कितना परसेंटेज होता है आप बोलेंगे 0%, इसमें बिल्कुल भी आपका सिल्वर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम को इन चारों में से आप किससे निकालते हैं, पहला दिया गया है मिका, दूसरा दिया गया है कॉपर, तीसरा है गोल्ड, चौथा है आपका बॉक्साइट, आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पूछा गया है एल्यूमिनियम के ओर अयस्कों के बारे में पूछा जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी चीज का ओर अगर आपको पृथ्वी पे मिलता है तो आप उससे बिल्कुल वो तत्व यानी कि वो मेटल आराम से निकाल सकते हैं। अब एल्यूमिनियम इसमें से किसका ओर है, हाँ संजू जी ने पिछले वाले का बताया है मिश्र धातु किसका किसका है, पर खैर यहाँ पे आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है ना ये आपका एल्यूमिनियम का ओर है, और ओर्स के नाम बताइए जल्दी से मुझे, एल्यूमिनियम के और भी जितने भी ओर हैं जितने भी अयस्क हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दीजिए। बॉक्साइट के अलावा और क्या क्या अयस्क किसका होता है, आज फ्री क्लास है पूरी करेंगे, राशन ले आए हैं महीने का, चलिए थैंक यू बहुत अच्छा आपका एहसान है मेरे ऊपर। बॉक्साइट के अलावा दोस्तों फेलस्पार भी होता है, आपने पढ़ा होगा फेलस्पार भी इसी का और होता है एल्यूमिनियम का ही है ना, और उसके अलावा और किसी और का नाम बताइए जो आपको याद आ रहा हो, बॉक्साइट सबसे फेमस है ठीक है, बॉक्साइट के अलावा भी आपको उसको याद रखना है, इसके बाकी के ओर्स का नाम बताइएगा। कॉपर जो है दोस्तों ये भी आपको बहुत सारे रूपों में मिलता है ना, कॉपर जो है आपको बहुत सारे अयस्क के फॉर्म में मिलता है उसका भी नाम बताइएगा, वेट है मुझे। चलिए सुनील कुमार जी का आंसर आया है डोलोमाइट, बिल्कुल ये आपको डोलोमाइट के भी फॉर्म में मिलता है ठीक है, और अगर गोल्ड का पूछा जाएगा तो गोल्ड दोस्तों याद रखेंगे ये आपको याद नहीं आ रहा है, प्रशांत कुमार झा जी याद नहीं आ रहा है,
कोई बात नहीं, फेलस्पार, डोलोमाइट, बॉक्साइट, कोरोडम भी इसी का ओर होता है, ठीक है। कोरोडम भी आपका एल्यूमिनियम का ही ओर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गोल्ड आपको फ्री अवस्था में मिलता है, ठीक है, और हम लोग इसका थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन करके इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, किंग ऑफ द मेटल, धातुओं का राजा कौन है इसमें से? आंसर करेंगे, हाँ बिल्कुल शशि रंजन जी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम कौन धातुओं का राजा है? दोस्तों आयरन को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं? Fe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम को आप Al से प्रदर्शित करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सिल्वर और गोल्ड का अब आप बताएंगे, क्योंकि सबको यही, मैम याद नहीं आ रहा, अरे तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड तो आपको फ्री स्टेट में मिलता है, कोरोडम, फेलस्पार और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के तीन अयस्क जो है ना वो फेमस है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा। अपराजिता जी कह रही है थैंक यू मैम, ऑनलाइन अभी के टाइम में रोज ही आते हैं हम 4 बजे। अपराजिता जी टाइम निकाल के आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप टाइम से आ जाएंगे तो, ठीक है। गोल्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं और सिल्वर को? वेरी गुड, सिल्वर आपका Ag, गोल्ड आपका Au। अब यहाँ पे धातुओं का राजा पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो आपका मेटल का राजा कहलाता है, धातुओं का राजा कहलाता है, बिल्कुल। और अब आपको एक बात और बतानी है, आयरन के भी अयस्कों के नाम अगर आपको पूछे जाएंगे तो याद रखेंगे, आयरन आपको हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है, और आपको किस फॉर्म में मिलता है? मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, और ये सिडेराइट के फॉर्म में भी मिलता है, इसके अलग अलग ओर होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अगर सिल्वर में, सिल्वर दोस्तों आपको याद रखना है बहुत सारे रूपों में मिलता है, अक्सर ये अपने सल्फाइड के रूप में मिलेगा, और या तो फिर ये आपको अपने नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इन अलग अलग रूपों में ये मिलता है सिल्वर को, आप बेसिकली इसका दो और बहुत ज्यादा फेमस है, एक होता है अर्जेंटाइट, ठीक है, अर्जेंटाइट जो है ना इसका बहुत होता है, बहुत फेमस अयस्क है, और उसके अलावा आप दूसरा एक और अयस्क बता सकते हैं, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड और अर्जेंटाइट दो रूपों में ये बहुत ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा इस बात को। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट महीने भी क्लास आएगी। नमस्ते हरि किशन जी, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी नमस्ते लेते हैं यार, नमस्ते लेने के लिए तो हम बिल्कुल यहाँ तत्पर बैठे हुए हैं, आप बस क्लास में आते रहिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, सिल्वर का यूज आपको पूछता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज आप किस चीज में करते हैं? आप लोग बताइएगा, ये बॉक्स हम भरेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइएगा AgNO3 का यूज आप किस चीज में करते हैं? ये बॉक्स हम भर देंगे आपके बताने के बाद, ठीक है। और मुझे आप बताइएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज आप किस चीज में करते हैं? फटाफट से कमेंट में आंसर करना शुरू कर दीजिए। आज और स्पेशल है, नहीं नीरज जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा चीज के लिए मैंने बता दी, मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। दोस्तों आप सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन आप कराते हैं, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो सिल्वर आयोडाइड से, जिसको कि आप AgI कहते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का यूज किस लिए करते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे मैम AgNO3 को हम लोग यूज करते हैं आपके जो इंक होता है, वोटिंग इंक, वोट देने जाते हैं तो जो स्याही आपको लगाई जाती है उसमें इसका यूज करते हैं। अगर आपको पूछा जाए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस प्रकार करते हैं, तो फोटोग्राफी में किया जाता है, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लाउड्स इज अ कोलाइडल ऑफ, अब बोला गया है बादल एक कोलाइडल है किस चीज का? आंसर करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। हेलो तरुण सिंह जी, वेलकम है, फटाफट से आंसर कर दीजिए इसका, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? एयर इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, पानी के माध्यम में वायु, फॉग इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, पानी के माध्यम में कोहरा, मॉइस्ट इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ द एयर, हवा के माध्यम में नमी, चौथा ऑप्शन दिया गया है वाटर ड्रॉप इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ द एयर। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, बहुत कम लोग हैं अभी भी क्लास में, आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी आपके लिए। रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताऊं, इससे बढ़िया क्लास जनरल साइंस के रिवीजन के लिए आपको नहीं मिलने वाली है, अभी भी आपके पास मौका है, इसमें जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है, आपके जो भी दोस्त हैं उनको आप बुला सकते हैं। क्लाउड्स इज अ कोलाइडल ऑफ पूछा गया है दोस्तों, बादल जो होते हैं वो उसमें पानी की कुछ बूंदें होती हैं, वाटर ड्रॉप होती हैं, जो कि एयर में मिक्स रहती हैं,
डी ऑप्शन जिसका आया है विशाल जी, सुनील जी बहुत अच्छे, इतने तेज बच्चे मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखे, मेरी आंखें एकदम आंसुओं से भर जा रही है, इतने तेज हैं आप लोग, देखिए क्या गजब। सुनील, अपराजिता, संदीप, प्रदीप, कोई तो गलत आंसर कर ही नहीं रहा है इसका। खैर ये बहुत आसान क्वेश्चन था इसका, अगर आप गलत आंसर करते भी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो बिल्कुल सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत अच्छा आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। द हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मिल्क टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। दूध का स्थायीकरण करने के लिए दूध को उबाला जाता है ताकि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी को दूर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कर देंगे, जो सही आंसर करेगा वो महातेज होगा, इतना तेज होगा कि उसको आज रात को एक भी मच्छर नहीं काटेंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा आशीर्वाद है, और आप एक चैन की नींद सो पाएंगे। अब आपको आंसर करना है पास्चुराइजेशन, फर्मेंटेशन, कॉगुलेशन, होमोजिनाइजेशन। आपको अगर किसी दूध के पैकेट जो आप बंद करते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया को अगर किलिंग करनी है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन बहुत आसान है, शशि रंजन, कुलदीप, राहुल, शैलेश, संतोष, अवनी, अपराजिता, विशाल। ओ माय गॉस, चलिए चलिए, बहुत बहुत तेज बच्चे हैं, मुंह पे प्रकाश का तेज लिए हुए, तेज मान मुंह आपके चेहरे पे जो तेज है, और फटाफट पास्चुराइजेशन आंसर कर दिए हैं। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि पास्चुराइजेशन का खोज कौन किया था, अब इसी मुंह के तेज के साथ जल्दी से आंसर कर दीजिए। पास्चुराइजेशन का खोजकर्ता कौन थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि बताया था कि पास्चुराइजेशन प्रोसेस करोगे तो दूध का बैक्टीरिया मर जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर करें। एक नजर कमेंट सेक्शन में, एक नजर स्लाइड पे, दो नजर रखनी पड़ती है। अवनी जी एकदम बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, हम मुस्कुरा के ही बैठे हैं, आंसर कर देंगे तो मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। किण्वन की बात अगर करेंगे दोस्तों, तो किण्वन में आपको पता है कि आप इससे क्या करते हैं, आप इससे फॉर्म करते हैं जो है अल्कोहल, है ना, और अच्छे क्वालिटी के जो पनीर वगैरह, पनीर के अच्छा क्वालिटी क्या पनीर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, हर जगह इसका यूज होता है, जल्दी से बता दीजिएगा। तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती। संदीप सुथर जी आप इसको जैसे ले लें वैसे ही सही रहेगा। लुईस पाश्चर, वेरी गुड, लुईस पाश्चर ने बताया था कि अगर आपको दूध का बैक्टीरिया मारना है तो एक बार खूब हाई टेम्परेचर दे दीजिए, 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दीजिए, फिर एकदम से ठंडा कर दीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा जीवाणु के साथ, उसको ठंडा गर्म के कारण, एकदम से गर्म और एकदम से ठंडे के कारण वो मर जाएगा, और वो मर गया तो फिर क्या होगा, बिल्कुल वो आपका दूध आगे के लिए सेफ रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मच्छर, हाँ बिल्कुल राहुल जी, मच्छर काटेंगे, आपका आंसर कभी गलत हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, कौन बताएगा, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन और निकिल। मैम मैंने इतना इंसान आंसर दिया, नाम नहीं लिया, राज बरनवाल जी, हमारी हिम्मत नहीं है इतनी कि हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम कहाँ जाएंगे अगर आपका नाम नहीं लेंगे, तो सही आंसर आप देते रहिए, बिल्कुल नाम लेंगे, हम सबका नाम लेने बैठे हैं यहाँ पे। चलिए आंसर करिएगा जल्दी से, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए देख लेते दोस्तों, आर्गन का सबसे कम गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना, वो तापमान, वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज पिघलनी शुरू हो जाए उसको आप, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आर्गन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या तेज लोग हैं भाई, मैक्सिमम लोगों ने आर्गन आंसर कर रखा है, बस कुछ ही लोग हैं जो टंगस्टन को लेकर के थोड़ा सा परेशान है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब बोला गया है दूध इसमें से किसका उदाहरण है, अब आप बताइएगा करेक्ट ऑप्शन, जेल का, फोम का, इमल्शन का, सस्पेंशन का, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मिल्क आपका एक एग्जाम्पल है कि चीज का, करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर कर दीजिए। मिल्क आपका जेल का एग्जाम्पल है, फोम का है, इमल्शन का है या सस्पेंशन का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, आंसर करेंगे इसका जल्दी से। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका एक तरीके का क्या है, इमल्शन है, पायस, यानी कि जिसमें चीजें मिक्स होती हैं, दूध आपका इमल्शन का ही एक एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, संजू जी, शशि जी,
सत्यम, दिलीप, अमित, रोशन और मुजफ्फर, हुसैन जी, शिवम्बू, इतने सारे लोग हैं, नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग आगे को क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। पूछा गया है कि सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, बोला गया है कि सीएनजी जो है वो गाड़ियों में यूज किया जाता है, तो वो किसके लिए सीएनजी का यूज करते हैं, किसकी वजह से हम सीएनजी का यूज करते हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सीएनजी जो है ये हम लोग, देखिए खैर मैं आपको बता दूं सीएनजी का यहाँ क्वेश्चन को जस्टिफाई भी नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है। सीएनजी यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू चेक द पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ ये पूछ रहा है कि सीएनजी में क्या चीज होती है ना, ये शायद आपको पूछ रहा है कि सीएनजी में क्या चीज होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर भी आपको पता होगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी के बारे में बताएंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं, है ना। इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, अगर वो आपको याद होगा तो आप आराम से इसका करेक्ट ऑप्शन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही पूछा था, अभी मुझे समझ आ गया। इसमें यही पूछा है कि पॉल्यूशन को मतलब पॉल्यूशन के चलते हम लोग सीएनजी का यूज करते हैं, सीएनजी में क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, इसमें से कौन सा एक एक्सप्लोजिव नहीं है, विस्फोटक नहीं है? चलिए आंसर करिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, उस ठंडे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कर दें, एकदम स्मार्ट हैं आप लोग, एकदम बढ़िया बढ़िया लोग हैं आप लोग, इतने अच्छे से आंसर किए जा रहे हैं, जल्दी से आप इसमें बता दीजिए। टीएनटी आपका विस्फोटक नहीं है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक नहीं है, आरडीएक्स नहीं है या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, कौन सा जो है आपका एक्सप्लोजिव नहीं है? मुजफ्फर हुसैन जी कह रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड एक साइंस की बुक बता दो ऑप्शंस वाली। मुजफ्फर हुसैन जी, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कोई साइंस की ऐसी बुक नहीं आएगी जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया गया हो, पर फिर भी मुझे लगता है आप अगर परीक्षा वाणी ले लेते हैं तो भी आपको सही पड़ेगी किताब। और एक और आपकी बुक आती है महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, वो भी काफी अच्छी बुक है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें जल्दी से बताएंगे करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज नॉट ए एक्सप्लोजिव, ये विस्फोटक नहीं है। लाइक करते जाइएगा फटाफट से, ठीक है, क्लास को जल्दी जल्दी लाइक भी करते रहेंगे। बाकी सब आपका विस्फोटक होता है, ट्राइनाइट्रोटोल्विन भी होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे बोला गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बताइएगा। अभी बुक स्टोर बंद है, हाँ बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम हैज, जो हीलियम गैस का जो न्यूक्लियस होता है उसमें केवल एक न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, करेक्ट बताइएगा। ठीक है राज बर्नवाल जी, चलो जल्दी से आंसर कर दो प्यारे मुस्टंडे बच्चों। 39 बच्चे यहाँ दिख रहे हैं भाई, सभी 39 बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए अगर 39 वाकई में है तो, और अगर हम गलत सोच रहे हैं तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम वेट कर रहा है कि जल्दी से मेरा सही ऑप्शन बताओ। और हीलियम जो है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इनएक्टिव गैस के तौर पे हो जानी जाती है, इसमें आपके दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसके बीच के भाग को आप केंद्रक कहते हैं, उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो यही पूछा था कि अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, तो दोस्तों दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। एक चीज और पूछी जाती है दोस्तों, सागर जी वेलकम है, कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश रहता है, क्या बताएंगे? अगर आपको मुस्टंडे बच्चे सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मुस्टंडे बच्चे, अब मुझे बता दीजिए अगर आवेश में पूछूं, आपको मालूम है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, अब आप मुझे बताइए कि कितना क्या आवेश टोटल आएगा केंद्रक पे। ठीक है, आपके न्यूक्लियस पे, सुरजीत सिंह सुमन जी कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए कि क्या आवेश आएगा, कौन बताएगा करेक्ट ऑप्शन, कौन प्यारा मुस्टंडा एकदम स्मार्ट बच्चा है जो जल्दी से बता देगा। सीरियल नंबर से क्वेश्चन दीजिए शैलेश जी, अब कहाँ सीरियल नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे बताइए टोटल न्यूक्लियस में कौन सा। लाइक शेयर कर दिए, थैंक यू सुशांता जी,
हाँ बिल्कुल, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर आपको कोई पूछता है केवल परमाणु के केंद्रक में कौन सा चार्ज रहेगा, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। कारण ये है कि एक जगह पॉजिटिव दूसरी जगह निगेटिव आपके दो चार्ज हैं, तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और अगर टोटल में पूछेंगे तो जितना प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर सेम है तो पूरे परमाणु आपके कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट आते हैं, रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं, महा कठिन क्वेश्चन। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे कठिन क्वेश्चन है, जो कि आपने 1000 बार ये क्वेश्चन किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी किसी को आंसर नहीं आएगा, और जिसको आंसर नहीं आएगा ना, वो अगर आज उसको मच्छर काटेगा तो वो आराम से मच्छर कटवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुछ मिलीलीटर खून ही लेके जाएगा, कोई ज्यादा नहीं लेके जाएगा। बताएं रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं, इससे आसान क्वेश्चन आप क्या देखेंगे मार्केट में, है ना। मार्केट का सबसे आसान क्वेश्चन है आपका गीगर काउंटर। गीगर काउंटर से आप रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता को मेजर करते हैं, समझ में आई बात। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, कौन बताएगा, सारे स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे भाई। चलिए प्यारे मुस्टंडे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए, कौन भैया डिसलाइक करके चला गया, मुझे समझ नहीं आती है। क्या यार, पढ़ाई तो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अपनी फटी हुई सुरीली आवाज में गाना सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चुपचाप निकल जाइए। डिसलाइक की क्या बात बनती है, मैं तो आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब पे आज तक एक भी वीडियो डिसलाइक नहीं किया है भाई। किसी का खराब कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, डिसलाइक करने का क्या बात है, मेहनत तो लगी ही होगी उसमें, ये अच्छी चीज नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। सिस्मोमीटर भी बताइएगा, बहुत आसान है। एमीटर भी बताइएगा दोस्तों, जिसने आर्द्रता आंसर किया, जैसे शैलेश कुमार जी, आर्द्रता नहीं होगा, यहाँ HYDRO लिखा हुआ है, हाइड्रो लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे मैम जल की, यानी किसी भी लिक्विड की, किसी भी तरल पदार्थ, खासकर की वाटर की, तरल पदार्थ में सब थोड़ी थोड़ी, सारे इसमें नहीं, सबका हम नहीं माप सकते रिलेटिव डेंसिटी। जल की रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने का काम हम लोग करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। हाँ चलिए, दिल पे ले ली, हाँ, बिल्कुल चलें। उसके बाद अगर हम लोग सिस्मोमीटर की बात करें, तो अर्थक्वेक को हम लोग, कितना इंटेंस अर्थक्वेक आया था, कितना भूकंप आपका आया था, उसको हम लोग मेजर करते हैं सिस्मोमीटर से, ठीक है। और एमीटर की बात करें, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में बहती हुई धारा को माप सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फूर वेपर, बोला गया है कि कपूर वाष्प से में ठोस कपूर, यानी कि कपूर जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसको किस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, बस यही क्वेश्चन है ना। वाष्पीकरण, ठंड करके, फ्रीजिंग करके, मेल्टिंग करके मतलब पिघला के, या फिर सब्लिमेशन करके। सब्लिमेशन की हिंदी यहाँ गलत दी हुई है, इसको हिंदी सही कर लीजिएगा। सब्लिमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, कपूर वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही कपूर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब साधारण सामान्य तापमान पे कौन आपको तरल फॉर्म में मिलेगा, लेड, निकिल, मरकरी और टिन। ये भी ब्रह्मांड का आसान क्वेश्चन है, मतलब स्वर्ग से लेके भूमि तक अगर हम लोग कोई क्वेश्चन खोजें तो सबसे आसान आपका यही है। इसमें जो आंसर नहीं कर पाएगा ना, वो बड़ा पछताएगा, ठीक है, बड़ा पछताएंगे अगर सही आंसर नहीं कर पाएंगे। देखा आपने, इतना अच्छा टैलेंट भी है मेरे पास, रैपिंग भी कर लेते हैं हम, रैप। लेड, निकिल, मरकरी, टिन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा पारा जो है वो सामान्य तापमान पे किस प्रकार से पाया जाता है। सिस्मोग्राफ, निरंजन जी, सिस्मोग्राफ से आप जो भूकंप है, अर्थक्वेक आता है, उसकी इंटेंसिटी यानी कि कितना तीव्रता, वो उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मरकरी करेक्ट ऑप्शन होगा, मरकरी को दोस्तों Hg से शो करते हैं आप। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, डिजीज का नाम मुझे जल्दी से बता दें, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज हैं, पर मरकरी वाली बीमारी का नाम बताएं, तो ऑलरेडी करा दिया गया है, ब्रह्मांड के सभी आसान क्वेश्चन यही है। हाँ मरकरी से दोस्तों आपको जो रोग होता है उसका नाम है मिनी माता, याद रखेंगे, मिनी माता नाम का रोग है, जो किस वजह से होता है आपको, मरकरी की वजह से होता है, मरकरी की अधिकता पानी में हो गई तो मीनी माता नामक रोग आपका हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको कैडमियम का अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि इटाई इटाई, ठीक है, इटाई इटाई नाम का रोग कैडमियम की वजह से होता है। दोस्तों आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछ देगा अगर, आपसे कहेगा कि बताओ
ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है जिसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, किसकी वजह से? तो आप बोलेंगे जल में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक और रोग होता है दोस्तों जिसको आप कहते हैं ब्लैक फुट, ठीक है, ब्लैक फुट नाम का रोग कहते हैं। ये कैसे होता है? तो ब्लैक फुट दोस्तों जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तब होता है। कहीं पे नोट इसको कर लीजिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द जर्मन सिल्वर 0% होता है। नाम इसका सिर्फ सिल्वर, जर्मन सिल्वर है, पर करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? 0% इसमें। ये मैंने शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन करा दिया था। जर्मन सिल्वर में दोस्तों क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जर्मन सिल्वर में आपका बेसिकली कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है। इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है, आंसर करिएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज? बुलेट प्रूफ खिड़की अगर बनानी है तो इसमें से क्या यूज करेंगे? पॉलीकार्बोनेट, पॉली यूरेथेन्स, पॉलिस्टरीन, पॉलीएमाइड्स। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए रॉकी सिंगला जी, जितने भी बच्चे आए हैं क्लास को शेयर करते जाइए फटाफट अपने दोस्तों के साथ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लास बिल्कुल फ्री है, क्लास 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 लाइव क्लास हो रही है, बिना पैसे की क्लास हो रही है। इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा दी जा रही है उसको नोट कर लीजिए बिल्कुल, और आगे बढ़ते जाइए। बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? विनय कुमार जी ए, विशाल कुमार ए ए, ओके। मोस्टली लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी ने डी बताया। और भी कोई है जो बताना चाहेगा? अपराजिता जी सी बता रही हैं, प्रशांत ए बता रहे हैं, सुनील ए बता रहे हैं, रॉकी, प्रदीप, बीरू, नम्रता जी डी बता रही है। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब भी आप बुलेट प्रूफ जो है बनाते हैं विंडोज, तो आप पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट्स उसमें यूज किया जाता है जिससे कि हम बुलेट प्रूफ विंडो बना सकें, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाओ। राज बनवाल जी क्या चाहते हैं बताइए, पढ़ दें एमसीक्यू, एमसीक्यू रीड कर दें बैठ के, कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा पूछे ना, बताए ना, तो फिर मुझे बता दीजिए क्या करें हम, छोड़ दें इसको ऐसे ही बैठ के? गजब है आप भाई, हवा में उड़ना चाहते हैं, इतना तेज कैसे हो जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? परमाणु विखंडन रिएक्टर में किस एक चीज की आवश्यकता नहीं होती है? मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सीलरेटर की नहीं होती है, या फिर किसी नियंत्रित उपकरण की, कंट्रोलर डिवाइस की? जल्दी से बताइए। हाँ, और बिल्कुल क्लास को लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक किए बिना मत जाइएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडरेटर, कूलेंट, एक्सेलरेटर, कंट्रोलर डिवाइस। ओके, तो जो आपका न्यूक्लियर फीजन रिएक्टर में जो नहीं यूज होता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो दोस्तों न्यूक्लियर फीजन में, नाभिकीय विखंडन में एक्सेलरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पे मॉडरेटर की भी आवश्यकता होती है, कूलेंट की भी हो सकती है, कंट्रोलिंग की तो मान लीजिए होगी ही, पर एक्सीलरेटर की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी बहुत फास्ट होता है, उसको एक्सीलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अभी। व्हेन आइटम्स ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ मेटल सच एज कॉपर एंड निकिल आर प्लेस इन सोल्यूशन हैविंग अ सॉल्ट ऑफ गोल्ड एट द थिन फिल्म ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिट बाई? यहाँ पूछा गया है, जब तांबे या निकिल जैसे किसी धातु से बने सामान या आभूषण को सॉल्ट ऑफ गोल्ड, मतलब कि आप गोल्ड के घोल में अगर मान लीजिए रख देते हैं, उसको सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो जो सोने की एक परत, पतली परत जमा हो जाती है, तो वो किस कारण से होती है? आप जब उसको कूलिंग करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तब होगी, हीटिंग अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे से ऊपर हीटिंग करेंगे तब उस पर वो परत जमेगी, पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट पास करने से जम जाएगी, जस्ट कीपिंग इट फॉर 10 मिनट, इसे केवल 10 मिनट लिए रखेंगे तो एक लेयर जम जाएगी, क्या होगा? जल्दी से बता दें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, मॉडरेटर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं कैडमियम और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे इसका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, फिर आंसर करना होगा, थोड़ा सा
लेंदी है और सोच के आंसर करना होगा इसको, ठीक है? चलिए बताइएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैम मेरा नाम लीजिए, सुमित कुमार जी नाम ले लिया, सुमित 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 सुमित, आंसर करो। अब लो नाम भी ले लिया, अब तो आंसर ही करना होगा आपको। तो देखिए करेक्ट ये होता है कि अगर आप किसी भी मान लीजिए आपका निकिल का बर्तन है या कॉपर का बर्तन है, ठीक है, अगर आप उसको गोल्ड के सोल्यूशन में डाल देते हैं तो आप उस पर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से उसमें क्या होगा, एक पतली सी परत उसकी जम जाएगी। क्लियर है आपको? सुरजीत सिंह सुमन जी हम अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप आइए, वहां पे आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, हैवी वाटर इम्प्लाइज, बोला गया है भारी जल का मतलब क्या है, भारी जल के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर विच इज यूज्ड इन हैवी इंडस्ट्री सच एज थर्मल पावर प्लांट्स, पानी जो कि थर्मल पावर प्लांट में और भारी उद्योगों में यूज होता है, वाटर विच कंटेन सल्फर डाई सल्फर ऑक्साइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर बोला गया है कि ऐसा पानी जिसमें कि सल्फर ऑक्साइड कैल्शियम और मैग्नीशियम हो उसको बोला जाता है, या फिर डी जो है यहाँ पे डीयूट्रेटेड वाटर, मतलब बोला गया जिसको एक प्रोसेस के द्वारा गुजारे हो, या फिर वाटर विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी, पानी जिसका घनत्व अधिक हो। तो देखिए दोस्तों भारी जल हम कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको एक बहुत आसान सा बात बता दूं। आपका जो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं आपने पढ़ा होगा, आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम तीन समस्थानिक इसके होते हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम होता है, इस ड्यूटीरियम को ही हम पानी में गुजारते हैं, तो इस जो है एलोट्रॉप से यानी कि इस अपरूप से अपरूप का यूज करते हुए जो जल हम लोग तैयार करते हैं उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सिन स्मेलिंग एजेंट एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ द गैस लीकेज। अगर गैस जो है लीक कर रहा है तो आप किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? प्रशांत कुमार जी हमारा मुंह उस कैमरे में सही से दिख भी नहीं रहा है, छोटा सा फोटो आ रहा है, अब आपको उसमें पसीना भी दिख गया कि पसीना हमें आ रहा है, गजब नजर है आपकी, मानना पड़ेगा पसीना जैसा कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ऐसा होता तो यार पंखा चला के आदमी बैठता, इतनी गर्मी होती तो। चलिए आंसर कर दें, दीपिका राठौर जी मेरा टेलीग्राम आपको अनअकैडमी रेलवे एग्जाम के नाम से मिलेगा, और आप मेरे नाम से भी अगर सर्च करते हैं अनुराधा सिंह अनअकैडमी एजुकेटर तो भी हम आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलो सुशांता जी भी मेरा भी नाम ले लीजिए, रोशन कुमार जी आपका नाम कैसे भूल सकते हैं। चलिए आंसर कर दें, कौन सी चीज इसमें ऐसी है जिसके द्वारा आपको मालूम चलता है कि लीकेज हो रहा है? विनय, प्रदीप, हर्षवर्धन जी और पवन, विशाल कुमार, चलो सारे लोगों का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, थायो एथेनॉल मीथेन क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो आपने सुना होगा मरकैप्टेन होता है ना, मरकैप्टेन जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में ताकि आपको वो उसमें जो है महक ना आए, ठीक है, वो आपका, और उसके अलावा थायो एथेनॉल भी उसके साथ मिला करके यूज किया जाता है, इन दोनों के कारण ही आपका जब भी एलपीजी से लीकेज होता है तो आपको स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन में, स्विच करते हैं जल्दी से बताइएगा। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, जब एक चलती कार अचानक से बंद हो जाती है तो यात्री किस वजह से आगे की ओर गिर जाता है? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, ग्रेविटेशन फोर्स। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। हाँ, पवन कुमार वर्मा जी मैं यूपी से ही हूँ, मोस्टली यहाँ पे सब यूपी से ही होंगे मुझे पता है। चलिए अब इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। हाँ
When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because of. वेरी गुड. क्या बच्चे हैं भाई, संदीप, सुधर, बीरू जी, रोशन जी, नीरज, संदीप, श्रद्धा, अरे अरे भाई, अपराजिता, निकेत, टंडी, उदय, समीर, अली, मतलब मुझे लगता है सब के सब क्लास में आज तेज ही आए हैं. पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम स्मार्ट है आप लोग, उस टंडे स्मार्ट लोग. देखिए, जड़त्व की गति के कारण ऐसा होता है कि जैसे ही कोई चलती कार में से नीचे आता है तो उसको थोड़ा सा आगे की ओर धक्का मिलता है. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स होता है, जैसा कि इसका नाम है, आपने देखा होगा, जैसे आप दूध में से घी जब निकाली जाती है या मक्खन निकाला जाता है तो उसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज करते हैं. मतलब एक सेंटर पे ही सारा बल जो है वो आपका लग रहा है. ठीक है. और लॉ ऑफ इनर्शिया में यही होता है, इसी की वजह से पर्सन जो है वो आगे की ओर धक्का उसको मिलता है. नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन है. पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, बोला गया है एक व्यक्ति किसी पत्थर पे अगर पैर मारता है तो वापस से उसको ही चोट लगती है. कारण क्या है? इनर्शिया के कारण, वेलोसिटी के कारण, रिएक्शन के कारण, मोमेंटम के कारण. जल्दी से बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा. चलिए जल्दी से बता दीजिए. इसमें 44 लोग हैं भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करिए कि आपके भी दोस्त आ जाएं. क्लास बिल्कुल फ्री है. अगर आप चाहते हैं कि आगे भी क्लासेस होती रहे तो आप अगर आगे भी क्लासेस लगातार इस तरीके की चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा भाई. अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बोलूं, मैं गला फाड़ फाड़ के बोल दिया है. अवनी का सी आंसर आया है, दिलीप माथुर का सी आंसर आया है, अवनी राज जी का सी आंसर आया है, दिलीप का सी ज्योत्सना. ओके ओके, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं जो है रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है. ठीक है. जैसी करनी वैसी भरनी, अरे बाप रे. और भी कोई बताएगा आंसर? चलिए, मोस्टली लोग कह रहे हैं रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है. देखिए, बेसिकली वो आपका जो पत्थर वहां रखा रहता है उस पे आपका एक उसकी एक खुद की खुद का भार होता है. ठीक है. वो उसमें खुद का भार होता है जिस कारण से वो जड़त्वता जो है वो शो करता है. और एक्शन रिएक्शन के कारण आपको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप पत्थर पे बिल्कुल जो आप पत्थर पे अगर पैर मारेंगे तो आपको बिल्कुल, हाँ, एक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन वाले लॉ के कारण ऐसा होता है. और खासकर कि आप जितना भी जितना वेलोसिटी यूज करेंगे उस हिसाब से आपको चोट लगेगी. तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ जो कि गलत है. एक्शन रिएक्शन के लॉ अगर दिया होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, द स्पून ड्रॉप बाई ए एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट विल, अब बोला गया है कि एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम एज इक्वल फोर्स, रॉकी जी सही कहा आपने. नेक्स्ट आते हैं, स्पून ड्रॉप बाई एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट विल फॉल टू द फ्लोर, रिमेन स्टेशनरी, स्थिर रहेगा. तीसरा दिया गया है, कॉन्टिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की गति का पालन करेगा. ठीक है. मूव टेंजेंटली अवे, स्पर्श रेखीय रूप से दूर हो जाएगा. अगर कोई एस्ट्रोनॉट, अब एस्ट्रोनॉट चम्मच फेंकेगा क्यों, इसका तो पता ही नहीं है, पर फिर भी आपको बताना है कि वो फेंकेगा तो क्या होगा उसके साथ. करेक्ट ऑप्शन मुझे बता दीजिए जल्दी से. यूट्यूब पे मुझे लगता है स्टिकर्स आ गए हैं, खूब जम के सब लोग स्टिकर यूज कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है. चलिए मुझे जल्दी से बताएं, स्पून ड्रॉट बाई एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट विल. हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अगर किसी सैटेलाइट से आप चम्मच गिराते हैं तो वो क्या करेगा, बिल्कुल उसी सैटेलाइट के मोशन के अकॉर्डिंग ही घूमता रहेगा. ठीक है. सुमित कुमार जी क्यों इतना नाराज वाला इमोजी भेज रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ लीनियर, विस्थापन समय ग्राफ रैखिक है. अब देखिए आपको अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, ये आपको एनटीपीसी में भी मदद करेंगे, ग्रुप डी में भी मदद करेंगे, हर जगह मदद करेंगे. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर. फिर थर्ड है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर. फिर चौथा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर. करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मोशन में घूम रही है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम जो है वो होएगी. चलिए जल्दी से बताइएगा उसके साथ क्या होगा. करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए, 55 लोग हैं.
तो बच्चों प्लीज 55 लोगों से मेरी निवेदन है, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई गैर समान त्वरण के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो उसका वेलोसिटी जो है टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर होगा, अरैखिक होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, ये वाला भी काफी अच्छा है। बोला गया इट इज इजियर टू कैरी टू बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच। बोला गया ये बहुत आसान होता है कि हम जो है दोनों हाथों में बाल्टियां पकड़े रहें, और देन टू कैरी ओनली वन इन वन हैंड। लेकिन अगर हम एक हाथ में एक बाल्टी पकड़ते हैं तो हमें ज्यादा भार का महसूस होता है, कारण क्या है? वेट ऑफ बकेट आर बैलेंस, बाल्टी का वजन संतुलित रहता है। दूसरा पूछा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन अ बॉडी, गुरुत्व का केंद्र शरीर के भीतर आता है। तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फैल विद इन द फीट, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन केंद्र के कारण आपका बना रहता है कोऑर्डिनेशन, या फिर रिजल्टेंट वेट ऑफ बकेट इज जीरो। चलिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्यों आप दो बाल्टी एक साथ उठा लेते हैं, पर एक बाल्टी एक साथ इसलिए नहीं भारी लगती है? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें तो बाल्टी ही नहीं उठाने आता, आप दो बाल्टी तीन बाल्टी की बात कर रही हैं, हमें तो मग भी भारी लगता है। तो भैया अगर ऐसा है तो आपकी बढ़ोतरी आ चुकी है, थोड़ा सा बाल्टी वाल्टी उठाइए, शरीर में लचक बनी रहनी चाहिए, तो थोड़ा जरूरी है वो, है ना। और बाल्टी लेके कुछ दूर तक आना जाना भी जरूरी है। अब बता सकते हैं आप कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए इसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आप खास करके दोनों समान वेट का अगर बाल्टी लेके चल रहे हैं ना, तो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र का केंद्र जो है वो आपके पैर के बीचों बीच बनता रहेगा, जिसके कारण आपको एक बैलेंसिंग बनी रहती है, ठीक है। और जब ऐसा होता है, जब सेंटर में आपका ग्रेविटेशन आपका अगर मेंटेन रहता है, तो किसी भी चीज की बैलेंसिंग आराम से बन जाती है। आपके बाल्टी उठाने के पीछे भी यही चक्कर होता है, क्योंकि आपके दोनों पैरों के बीच एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। क्लियर है, याद रखेंगे। थैंक यू सो मच अपराजिता जी। चलें नेक्स्ट आते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द रिजल्टेंट, एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी डैश के बराबर है, एनर्जी के बराबर है, पावर के बराबर है, फोर्स के या आवेग के। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है ये, आपने थियरी के बेस पे पढ़ा होगा। मैंने तो आपको बायो पढ़ाया नहीं, सॉरी फिजिक्स पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा लचक का क्या मतलब होता है पवन कुमार जी, मतलब आप लचक मतलब नहीं जानते हैं, लचक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहते रहे तो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी है, तो एक ही काम आपके हाथ में है, क्या बाल्टी लेके घर में चार पांच तक चक्कर दौड़ जाइए, अच्छा खासा समय आया है आइसोलेशन का, मम्मी को आराम दे सकते हैं, बाल्टी बाल्टी लेकर के पोछा मारिए, झाड़ू करिए, बर्तन धोइए, तो सही है, बॉडी भी सही रहेगी और मम्मी भी खुश रहेंगी, है ना। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी किसके बराबर होता है, आपका फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, तो बल के बराबर होता है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर उसके परिणामी बल के बराबर होती है, ठीक है। उसके अगर मोमेंटम में किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है तो उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितना बल दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही चीज इस बात का प्रूफ होगी कि वो चीज में आपको कितना गति दिखाई देगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल ग्लासेस एट अ गिवन टेम्परेचर। अब बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी दिए गए तापमान पर सभी गैस के अणुओं के लिए समान है, जल्दी से आंसर मुझे बताइए, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्पीड, मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे मुझे, चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 बजे क्लास अनअकैडमी पे भी होगी, अनअकैडमी की जब होगी तब होगी, अभी तो ये जो कर रहे हैं इसका आंसर कर दीजिए, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है किस भौतिक मात्रा की किसी दिए गए तापमान पे सभी गैसेस के लिए समान है, गैस के अणुओं के लिए समान है, तो दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी तापमान पे किसी भी चीज की जो गतिज ऊर्जा होती है, आप उसको कितना भी तापमान दे दीजिए, कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, उसके लिए उसके गैस के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए गतिज ऊर्जा समान होती है। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन में पूछा गया आपको,
द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम द ग्लास इनटू एयर इज मिनिमम फोर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब कि कौन सा इन चारों में से ऐसा प्रकाश है जिसका जो ग्लास से एयर में जो पास करने का एक एंगल होना चाहिए वो क्या होता है आपका, किसका सबसे कम होता है. ठीक है, रेड लाइट का, येलो लाइट का, ग्रीन लाइट का और वॉयलेट लाइट का, जल्दी से बताइए. आंसर करिएगा, 46 लोग हैं, आंसर करिएगा. हेलो हेलो राकेश जी, चलिए. दौलत राम कुशवाहा जी लिखे हैं, मस्त पढ़ाती हूँ. अच्छा, मैं मस्त पढ़ाती हूँ कि आप मस्त पढ़ाती हूँ? करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा भाई? बिल्कुल, जो आपकी वॉयलेट लाइट होती है ना, वॉयलेट लाइट जो होती है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो लाइट पास करने का ग्लास से एयर में वो सबसे मिनिमम होता है. वॉयलेट लाइट बैंगनी प्रकाश का, इसी कारण से क्या होता है इसका, क्योंकि देखिए इसके इसके दो तीन रीजन है. एक तो इसका वेवलेंथ जो है, जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है वो भी सबसे लो होता है, ये भी कारण है, इस वजह से भी ऐसा होता है. ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट. जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आते हैं उनको बनाने के लिए हम इन चारों में से किसका यूज करते हैं? नायलॉन 66, टेरलॉन, केवलर और लेक्सॉन. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन. बोला गया है कि जो जैकेट बनाए जाते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल मैक्सिमम लोगों को यहां मालूम होगा, केवलर जो है ना ये आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल. यहाँ पे क्वेश्चन आया है किसका कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है. क्रिटिकल एंगल की अगर हम लोग बात करेंगे ना, आपका क्या नाम है, पवन जी ने शायद पूछा है, अगर आप क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो जब भी कोई भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वो क्या करता है, एक खास एंगल बनाता है. ठीक है, तो वो जो खास एंगल वो फॉर्म करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग उसका क्रिटिकल एंगल कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो एंट्री कर रहा है तो वो हमेशा एक एंगल फॉर्म करता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये सबसे वो सबसे बेस्ट एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल एक सबसे बेस्ट एंगल होता है जिसमें कोई भी आपको कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है. क्लियर है, तो यही है, वॉयलेट लाइट के साथ ऐसा ही होता है, उसका सबसे मिनिमम होता है. ठीक है, तो देखिए दोस्तों, केवलर जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम लोग यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे. केवलर हो गया, पॉलीकार्बोनेट्स हो गया, ये सब मिला करके क्या करा जाता है, ये आपका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज, चलिए अब जाकर के क्वेश्चन आपके धरती के आने लगे हैं. अभी तक आपको पूरे धरती और पूरे ब्रह्मांड के क्वेश्चन मिल रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ आपको धरती के क्वेश्चन आ रहे हैं. अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप बन जाएंगे एक बहुत बड़ा फरिश्ता. चलिए आंसर करिएगा, फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज, इन फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल सोर्स क्या होता है? ये क्वेश्चन खुद अपना आंसर बता रहा है, इसमें सोचने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों. वैसे भी अगर आप ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट से ही संबंधित बात हो रही है, ये नोन है ना, तो प्रकाश तरंगों के बारे में फाइबर ऑप्टिक्स आपका बताता है. क्लियर है, आंसर कर दीजिए जल्दी से, आगे बढ़े. अरे सुन रहे हैं, बोलिए यस मैम, नो मैम, जय महादेव, जय महाकाल, कुछ तो बोलिए. हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर आप 100 लोग को लेके नहीं आएंगे तो हम जल नहीं पिएंगे, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं. आंसर करते रहिए, थोड़ा बहुत सांस पानी लेते रहिए, नहीं तो इस सेल्फ आइसोलेशन में फिर आप क्या हवा पानी फिर निकल जाएगा. समझ गए, आंसर करिए, करिएगा जल्दी. हाँ, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं बिल्कुल. शुरुआत में सब लोग बहुत कह रहे थे, अरे मैडम कुछ बढ़िया क्वेश्चन दीजिए, ब्रह्मांड और आसमान का क्वेश्चन मत दीजिए, पूरे ब्रह्मांड का क्वेश्चन नहीं चाहिए, बस धरती का क्वेश्चन चाहिए. अब धरती के क्वेश्चन आने लगे हैं. खैर उसमें भी आप लोगों के लिए क्या ही बड़ी बात है, आप लोग स्मार्ट हैं, एकदम बढ़िया लोग हैं आप लोग. बताना है क्यूरी किसकी यूनिट है, अब जल्दी से बताइएगा करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा.
किसकी यूनिट है? इससे आसान क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं आपको पेपर में। भैया जो टेम्परेचर को क्यूरी से नाप रहा है ना, वो हमको नाप के दिखा दे एक बार कि कैसे आप टेम्परेचर को क्यूरी से नाप रहे हैं। समझ रहे हैं? आप अगर टेम्परेचर को क्यूरी से नाप के दिखा दिए तो हम अपना नाम चेंज कर देंगे, ठीक है? फिर आप जो कहेंगे वही नाम रखा जाएगा, क्यूरी से नहीं नापा जाता है। बात समझ में आई? और रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडियो धर्मिता जो होता है ना, इसको हम लोग क्यूरी से मापते हैं। नाम क्यूरी इसलिए पड़ा है क्योंकि मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी जो थी, उन लोगों ने मिलकर के रेडियो एक्टिव खोज, रेडियो एक्टिव चीजों की जैसे कि पोलोनियम की खोज करी थी, इसीलिए रेडियो एक्टिविता का जो है ना यूनिट यही रख दिया गया है, ठीक है? तापमान के लिए आप केल्विन का यूज करते हैं, सेल्सियस का यूज करते हैं, इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है? हीट के लिए आप वही हो गया आपका हीट, ताप, ऊष्मा जो है अगर आपको दिखानी है तो उसमें भी आप अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, अब आप लोग बता दीजिए, ये सबसे आसान है, एनर्जी और हीट दोनों के लिए क्या क्या यूज होता है? चलें ये नेक्स्ट आते हैं। द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, वो क्वेश्चन आपका थोड़ा अधूरा लग रहा था। द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट इज, अब बोला गया है किसी वस्तु से भौतिक संपर्क के लिए बिना दूरी के उसके बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी क्या कहलाती है? आंसर करिएगा रिमोट सेंसिंग, रिमोट कंट्रोल, रिमोट एक्सेसिंग, स्पेस शटलिंग। हाँ बिल्कुल जूल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एनर्जी का, ठीक है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, उसको रिमोट सेंसिंग ही कहते हैं। अगर आप किसी चीज के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना, वो उसके संपर्क में आए बिना ही उसमें चेंजिंग अगर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, चेंजिंग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है? टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, ठीक है, बोला गया एक टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए आप क्या करते हैं? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज, एक विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज यूज, चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज होते हैं, नन ऑफ एबव। करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। अगर आपको टेलीविजन पिक्चर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है तो आप क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताएं करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दांत दिखा रहे हैं झा जी, ममता मीना जी ने आंसर करा है डी। तो देखिए दोस्तों, टीवी के पिक्चर ट्यूब में अगर डिफ्लेक्शन विक्षेपण अगर आपको जो है देना है तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बीटेक वालों को टीवी वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में 11 में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, टेलीविजन के बारे में सब पढ़ाया जाता है। तो जो बीटेक वगैरह किया होगा या कभी सोचा होगा कि हम आईआईटी की तैयारी करेंगे तो वो इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, है ना? नेक्स्ट बढ़े, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, एमीटर, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जल्दी से? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट बच्चों का आंसर गलत हो गया है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। जल्दी से मुझे बता दीजिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, ऑडियोमीटर का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? चलिए प्यारे मुस्टंडे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दें, फिर हम लोग अपने दूसरे सेशन में मिलेंगे। आपकी छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऑडियोमीटर, एनमीटर, एल्टीमीटर, एनीमोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एल्टीमीटर, ठीक है? ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर का यूज करते हैं, बहुत तेज है आप लोग, मानना पड़ेगा। ऑडियोमीटर से क्या कर सकते हैं आप, इससे आप साउंड को माप सकते हैं, कितने डेसिबल आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ऑडियोमीटर का यूज उसमें कर सकते हैं, है ना?
और एम मीटर की बात अगर हम लोग करें तो इसका बताइएगा, एनीमोमीटर का भी बात बताइएगा। जल्दी से दोनों का यूज बता दीजिए, फिर हम लोग छुट्टी कर लेते हैं। अभी को जो 69 लोग अचानक से आ गए हैं भाई, ही क्लास खत्म हो गए होने वाली है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बता दें। मैम मेरा भी नाम लीजिएगा, राजकिशोर कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं। मुस्टंडे का मतलब क्या होता है पवन कुमार जी? मुस्टंडे का मतलब जो जिनकी बहुत अच्छी खासी बॉडी होती है, लंबे चौड़े लोग होते हैं, मुस्टंडे उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, हमारी छुट्टी हो चुकी है। अच्छा, जल्दी से आंसर करेंगे। राजकिशोर जी नाम ले लिया आपका भाई, इसका आंसर करके जाइएगा। एनीमोमीटर से आप विंड की स्पीड जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और एमीटर से आप धारा मापते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आप लोग क्लास में इतने ध्यान से सुनते रहे, एकदम प्यारे अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे मुस्टंडे बच्चों। मिलते हैं, ताली बजाओ, छुट्टी होने वाली है। और जो है हाँ, रेल का डिब्बा खाली है, छुट्टी होने वाली है। और सुनिए, अनअकैडमी प्लस पे अगर आप आएंगे दोस्तों, तो रोज मेरी क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरा रेफरल कोड सिर्फ आपको यूज करना होगा, वहां पे जो भी पैसे लगेंगे उसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनुराधा YT10 मेरा रेफरल कोड है, मेरा नाम अनुराधा सिंह है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको YouTube पे मेरी क्लासेस डेली करनी है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन आप यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे के बीच में आइए, ठीक है। और एक बात आपसे बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने सारे दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा मेरी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक किए बिना चले जाएंगे, तो हो सकता है आपको मेरी वीडियोस देखने को ना मिले। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस ऐसे बनती रहें, और हम लोग अभी थियरी भी लेके आएंगे कुछ सेशन के बाद, अगले महीने से हम लोग चीजों की थियरी भी पढ़ेंगे, तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आपके इस महान सपोर्ट के लिए। थैंक यू, बाय।